हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्जर्वड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 2 10 पर -2 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 3 10 पर -2 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन पर माइनस टू मोलर देन इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज ओके देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्शन लिखना है रिएक्शन को बैलेंस करना है देन आपको केसी एक्सप्रेशन लिखना है और केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इक्विब्रियम पर गिवेंट है ये जो कंसंट्रेशन हैं ये इक्वलिब्रियम पर हैं ठीक है तो सिंपली आपको के का एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए तो सिंपल रिएक्शन है आराम से आप बैलेंस कर लेंगे चलिए क्वेश्चन को करते हैं तो पहला स्टेप क्या है यू आर सपोज टू राइट डाउन द रिएक्शन एन टू प्लस एच टू से क्या बन रहा है अमोनिया तो पहला काम क्या है इसको बैलेंस करिए तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड अब क्या करना है कि आप लिख दीजिए के सी के सी इज इक्वल्स टू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एन टू इन टू कंसनट्रेशन ऑफ एच टू टू पावर थ्री अब सारी वैल्यू आपको गिवेन है बस आपको वैल्यू पुट करना है तो दिस इज गोइंग टू बी वन पॉइंट फाइव इंटू टेन दावर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दू बी टू इन टू टेन टू द पावर माइनस टू इन थ्री इन टेन टू द पावर माइनस टू क्यूब ओके अब क्या करना है सिंपली आपको इसको सिंपलीफाई कर देना है तो आप इसको अगर सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू वन दैट इज गोइंग टू बी 2.25 पॉइंट टू टेन रेज टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन टू द पावर

फोर वन सिक्स 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 इंटू टेन रेस टू मेरे ये सो ऑन बहुत सारे सिक्स हैं इंटू टेन पावर फोर ओके तो आप फर्दर देखेंगे तो क्या होने वाला है कि फोर वन सिक्स पॉइंट सिक्स 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 ओके तो देखिए जो आंसर आ रहा है दैट इज कि फोर वन सिक्स पॉइंट सिक्स 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 ओके लेकिन जो आंसर हमको दिया गया है आंसर की में देट इज फोर सेवेंटीन इस क्वेश्चन में आपको देना चाहिए था कि आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना है ओके okay? ये क्वेश्चन में होना चाहिए था अदरवाइज यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है तो द आंसर इज गोइंग टू बी फोर वन सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ओके अगर यह बोल रहा है कि नियरेस्ट इंटीजर लिखना है देन दिस आंसर इज गोइंग टू बी फोर वन सेवन ओके So hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.